नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं डिक्टेशन भूल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रुकें। अभ्यास अगर अच्छा करेंगे तो डिक्टेशन आप लोग एग्जाम तक अच्छी लिखना सीख जाएंगे, तो आप हमारे साथ डिक्टेशन लिखें। महोदय, भारत के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा होने तथा उत्पादक मंडियों में मंदी फैलाने के समाचारों से खुले बाजार में गेहूं के भाव और घट गए। देश की विभिन्न मंडियों से मिली खबरों के अनुसार नए गेहूं की फसल का सीजन निकट आ जाने से किसानों ने अपने दबे हुए स्टॉक बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। एक अनुमान के अनुसार मुख्य अनाजों में 10-20% की गिरावट आ चुकी है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि रबी की फसलें अच्छी होने की आशा से मंडियों में सप्लाई स्थिति काफ़ी बढ़ गई है। पंजाब की मंडियों में गेहूं का भाव 120 रुपये तक बोला जाने लगा, जबकि हरियाणा में जहां पहले अच्छा गेहूं 210 रुपये तक का हो गया था, अब 150 रुपये बिक रहा है। केंद्रीय सरकार ने हरियाणा के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि वसूली बोनस देने के लिए स्वीकृत कर दी है। इससे किसानों को 1.75 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त रुपया मिलेगा। हरियाणा में निगम 150 रुपये के भाव गेहूं की खरीद कर रहा है। इस महीने हरियाणा की उचित मूल्य की दुकानों के जरिए 30,000 टन गेहूं वितरित किया जाएगा, जिससे वहां गेहूं के भाव और घट जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मंडियों में गेहूं 50 रुपये तक गिर चुका, क्योंकि जिलाबंदी हटने के बाद सर्वत्र गेहूं की सप्लाई बढ़ गई थी। राजस्थान में किसानों व व्यापारियों द्वारा दबे हुए स्टॉक बाहर निकालने से गेहूं के भाव गिरने शुरू हुए। नया गेहूं मार्च के अंत तक आने की आशा है। गुजरात से NNS संवाददाता लिखते हैं कि जामनगर मंडी में नया गेहूं 2 सप्ताह बाद आने की आशा से पुराने माल की आवक बढ़ गई तथा दाम घटकर 175 रुपये रह गए। वहां गेहूं की मंदी ने मोटे अनाजों की तेजी को भी ठंडा कर दिया था। मध्य प्रदेश में भी गेहूं के भाव गिर रहे हैं। दिसंबर 1974 तक समाप्त हुए 9 महीनों में भारत विदेशों से 55.5 लाख टन गेहूं व अन्य अनाज खरीद चुका। इसके अतिरिक्त रूस व चीन द्वारा अमेरिका से किए गए गेहूं के सौदे निरस्त कर दिए जाने की खबर से यह उम्मीद है कि अमेरिका से भारत को अधिक गेहूं मिलेगा। गेहूं में मंदी के विरुद्ध चावलों में तेजी चल रही थी,
बढ़िया, बासमती चावल का भाव 400 रुपए तक बोला गया, कारण कि बड़े किसानों ने वसूली में सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। पंजाब व हरियाणा दोनों ही राज्य इस बार अधिक से अधिक अच्छे बासमती चावल का निर्यात करने के चक्कर में है। इसके सिवाय इस बार केवल 20 लाख टन की वसूली हुई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 23.5 लाख टन चावलों की वसूली हो चुकी थी। बांग्लादेश में चावल का भाव 6.50 टका प्रति सेर हो जाने व साबुन की बट्टी 1.5 रुपए की बिकने की खबर थी, नमक 50 टका प्रति सेर बिकने की खबर थी, चावल आदि फसलों को भारी क्षति पहुंचने के कारण बांग्लादेश में 23 लाख टन अनाज की कमी हो गई। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।